ठीक है दोस्तों, इसे पेयरिंग करने के लिए आपका कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल तरीका है पेयरिंग करने का, हर कोई नहीं बताता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सिंपल तरीका क्या है। हमें पहले दोनों बटन। हाय दोस्तों, हाउ आर यू, कैसे हो सब दोस्त अपने? तो तुम्हारा भाई दोबारा से तुम्हारे लिए एक नई वीडियो लेके आया है। आज हम दिखाएंगे आपको कि V6 जो इंटरकॉम हम यूज कर रहे हैं उसको पेयरिंग कैसे करते हैं, डिवाइस को पेयरिंग किस तरीके से करते हैं। तो हमारे पास इस टाइम पे दो ब्लूटूथ, तो आप देख सकते हैं मेरे पास दोनों ब्लूटूथ V6 है। ठीक है दोस्तों, इसे पेयरिंग करने के लिए आपका कुछ भी नहीं करना होता है। सिंपल तरीका है पेयरिंग करने का, हर कोई नहीं बताता है, लेकिन हम आपको बता रहे हैं कि सिंपल तरीका क्या है। हमें पहले दोनों बटनों को एक साथ दबाना होता है। ये रेड ब्लिंक होने लगा, ब्लू ब्लिंक होने लगा, उसके बाद ये दोनों बटनों को एक साथ दबाना होता है। दोबारे से सेकंड प्रेस करेंगे तो ब्लू रेड करके लाइट आएगी इसमें। ये आ गया ब्लू रेड लाइट। अब हमें क्या करना है? अब हमें एक बटन को एक प्रेस करना है, बस वन। अब जो ये वाली पेयरिंग है ब्लू रेड ऑटोमेटिकली इससे पेयर हो जाएगा। जब ये ब्लू हो जाएगा तो दोनों से पेयरिंग ऑटोमेटिकली हो चुकी होगी दोस्तों। तो दोस्तों ये दोनों आपस में इस टाइम पे पेयरिंग हो चुकी है। ठीक है, इसमें 6 राइडर कनेक्टिविटी होती है। एक डिवाइस से आप 6 राइडर से कनेक्ट हो सकते हैं, आपको लगा के 6 राइडर कनेक्टिविटी। जैसे कि पहला जो कनेक्टिविटी है वो ये है, ठीक है, फर्स्ट कनेक्टिविटी दोनों की दोनों से हुई है। सेकंड कनेक्टिविटी ई टू ई है, डी टू डी है थर्ड, बी टू बी है फोर्थ, और 5 है सी टू सी। ठीक है, 6 आप तक कॉलिंग हो गया, तो 6 राइडर से आप कनेक्ट कर सकते हैं इस ब्लूटूथ को। तो ये दिखाया हमने आपको पेयरिंग करके। तो पेयरिंग करने के बाद हमें कैसे कॉल पे बात करना होता है। सपोज दैट अगर आप पेयरिंग करके आप इंटरकॉम पे बात करना चाहते हैं तो किस तरीके से आप बात कर सकते हैं। हमें ओनली फॉर वन प्रेस करना होता है। ये हमने बटन दबाया, ऑटोमेटिकली इसमें आपकी वीप जाएगी टू टू करके और कनेक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से आप V6 को कनेक्ट कर सकते हैं दोस्तों, आपस में पेयरिंग कर सकते हैं। अगर आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट करना है तो ब्लूटूथ का भी सेम यही वो ऑप्शन है। आपको लॉन्ग प्रेस करना होता है यहाँ से, उसके बाद यहां से लॉन्ग प्रेस करेंगे तो इसमें ब्लू रेड करके आएगा। ये आ गया ब्लू रेड। अब आप अपना ब्लूटूथ सर्च करेंगे तो इसमें V6 करके आएगा। ब्लूटूथ के अंदर न्यू डिवाइस में V6 आएगा, उससे कनेक्ट कर सकते हैं। जब कनेक्ट हो जाएगा तो ब्लू लाइट आएगा इसके अंदर। उसके बाद अगर आप इसे बंद करना चाहते हैं, चालू करना चाहते हैं, तो आप यहाँ से छोटा सा बटन जो दे रखा है इससे आप बंद कर सकते हैं। लॉन्ग प्रेस करेंगे तो चालू कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना दोस्तों। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। तो वीडियो को यहीं एंड करते हैं। बाय।